आइए आइए। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जेंटलमैन गोपी, अरे गोपी तूने सुना, तूने सुना इस आदमी ने मुझे क्या कहा? इसने मुझे जेंटलमैन कहा, मुझे कहा ना। हाँ तो ये भी जेंटलमैन है। थैंक्स ब्रो। अरे यार कमाल है यार, जेंटल, थैंक यू यार, थैंक यू। अरे तुम खड़े क्यों हो यार, तुम खड़े क्यों हो? बैठो 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 यार। अरे सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है यार, मेरा मतलब है कुछ खाओगे पियोगे क्या लोगे? नहीं मैं पीता सिर्फ शाम को ही हूँ। ओहो महाराज, यार मिलो कभी शाम को, दोनों बैठ के दो दो टिकाएंगे। अरे मैं यहाँ पे टिकाने नहीं लिखाने आया हूँ। वो खूबसूरत है। ओ कौन खूबसूरत है यार, तुम्हारी अड़ोसन या पड़ोसन? डोंट बी शाय ब्रो। अरे ना ही अड़ोसन ना ही पड़ोसन, अरे आप मेरी एफआईआर लिखो ना। वो खूबसूरत है। वो खूबसूरत है, इस बात की तुम्हें एफआईआर लिखवानी है? वेल ब्रो, भाई दा यू दा लिखवाएंगे दा एफआईआर इज दा, मैं हूँ इस चौकी का अक्षय कुमार इज दा। अक्षय कुमार नहीं, चिंटू कुमार, उसका नाम है चिंटू कुमार। चिंटू कुमार खूबसूरत है? अरे चिंटू कुमार नहीं, आप एफआईआर लिखिए चिंटू कुमार के खिलाफ। वेल हु इज द चिंटू कुमार इज द, जिसके खिलाफ लिखवानी है एफआईआर इज द। दादाजी ये जो चिंटू कुमार है ना, वो मेरा कंपाउंडर है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखो आप। अरे उसने मेरी जिंदगी को मल्टी विटामिन से एंटीबायोटिक बना दिया है, कैप्सूल से इंजेक्शन बना दिया है। वो खूबसूरत है। वेल भाई दा कैप्सूल से इंजेक्शन इज दा, मैं हूँ इस चौकी का माइकल जैक्सन इज दा। अरे दादाजी आप क्या क्या हो? हाँ अरे आप अक्षय कुमार हो, आप माइकल जैक्सन हो, वो सब छोड़िए और आप है ना चिंटू कुमार के खिलाफ एफआईआर लिखो। एक मिनट पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? जब वो कंपाउंडर हुआ तो मैं क्या हुआ? मैं डॉक्टर हुआ ना। मेरा नाम है ललित, ललित 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 खुशवा। वो खूबसूरत है। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। दादाजी वो कंपाउंडर है ना, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसा तुमने किया गया है कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? बापू एक्चुअली बात यह है दादाजी की, मेरी एक खूबसूरत सेक्रेटरी है, उसका नाम है नॉटी। वो खूबसूरत है। वाओ नॉटी, व्हाट ए नेम इज द, कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द। तो उसके साथ मेरा लप्पा जप्पा चल रहा है। तो हम लोग एक बार क्या के हाथ में हाथ डाल के रोमांस कर रहे थे, तो ये कंपाउंडर ने देख लिया, उसने ये फोटो निकाल ली। अब वो है ना ही मुझे फोटो दे रहा है, ना वो मुझे रील दे रहा है, और ब्लैकमेल कर रहा है। अब तक तो 1,00,000 रुपए ऐंठ चुका है मुझसे, और कहता है कि और पैसा दो, वरना वो तुम्हारी फोटोज ले जाके तुम्हारी बीवी को दिखा देगा, राइट? हाँ। यार जितने पैसे मांग रहा है ना दे दो। यार एक बार वो फोटोज तुम्हारी बीवी के पास पहुंच गए ना, फिर बीवियां ऐसी सुताई करती है कि आज तक मेरे शरीर की पता नहीं कितनी हड्डियां अभी तक दर्द कर रही हैं। मतलब आप भी? आई 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 आई। वो खूबसूरत है? वो खूबसूरत थी। लेकिन देखो अपनी बीवी के साथ इस तरह चीटिंग करना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो फंसने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था, लेकिन ये बात है ना मेरी वाइफ को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उसका दिल टूट जाएगा और मेरा घर, साथ में तुम्हारा सर भी। या दिस वन। देखो वैसे तो गलती तुमसे हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, इसलिए तुम घबराओ मत, तुम टेंशन मत लो, मैं और गोपी खुद जाएंगे और उस कंपाउंडर की सुताई करेंगे, और उससे वो फोटोज और वो रील लेकर यहाँ पर आएंगे और तुम्हें दे देंगे। यार तुम टेंशन मत लो, तुम जरा वो कंपाउंडर का एड्रेस तो दो। हाँ एड्रेस है ना, ये क्या, ये लीजिए, ये तो तुम्हारा कार्ड है।
तो मेरा कंपाउंडर है ना, तो मेरी डिस्पेंसरी में काम कर रहा है, तो उसी का एड्रेस दूंगा ना मैं आपको। टाइम क्यों हुआ? अरे मैडम, इतनी सी बात के लिए आपको ये गन निकालने की क्या जरूरत पड़ गई? आप ऐसे ही पूछ लेती तो बता देते। टाइम क्या हुआ है? मॉम, माय वॉच इज नॉट वर्किंग। टाइम क्या हुआ है? मैडम, मेरी भी घड़ी कुछ ठीक से चल नहीं रही है, थोड़ी फास्ट है। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, टाइम क्या हुआ है? साढ़े ग्यारह ऐसा घड़ी में दिखा रहा है मैडम, लेकिन शायद 11:30 नहीं बजे, कुछ 9:30 के आसपास होना चाहिए। मैडम 6 बजे शायद। छह की छह गोलियां बजेंगी, वो भी तुम दोनों के सीने में। वेल मॉम, व्हाट द बी द डन इज द, आपके हाथ में गन इज द। हाँ हाँ, ना तेरा तो कुछ करा ही ना है, तुम दोनों तो जो है मोम के गुड्डे हो रहे हो, दूध के धुले हुए। इप तो मैं करूंगी जो करना है। मैं इप तंग आ गई हूं तुम दोनों की लेट आने की हरकत की वजह से। यो जो आदत है ना तुम्हारी, बस बस बहुत हो गया इप। अरे क्या कह रही हैं आप मैडम, आप क्या सही में क्या मैडम, अभी देखिए अगर 11:30 बजा है तो आप अभी अभी आई हैं 11:30 बजे, हम तो कब के आ गए थे, हम 8 बजे आ गए थे मैडम, और फिर हम बाहर गए थे केस सॉल्व करने के लिए, बस वो करके वापस आए, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। जो जो होशियारी है ना, यो हमारे सामने ज्यादा ठोकने की जरूरत ना है, समझे? वाइला वाइला, 8 बजे चौकी में मैं आई थी, 1.5 घंटा यहाँ बैठी थी मैं, मैंने फाइलें कंप्लीट करी है, 9:30 बजे निकली हूँ, तब तक तुम दोनों आए कोई ना थे। 2 घंटे एरिया का राउंड मारने के बाद ही आ रही हूँ मैं 11:30 बजे, यहाँ बात मिला रहे हैं, हम आ गए थे 8 बजे, आप आ रही हैं 11:30 बजे, ज्यादा हमारे टाइम का हिसाब रखने की जरूरत ना है, समझे? माफी मैडम, सॉरी। कोई माफी वाफी सॉरी वॉरी की जरूरत ना है बिल्कुल भी, माफी बहुत हो गई तुम दोनों की, इब सजा मिलेगी। और तुम दोनों की सजा यो है कि रात को 12 बजे चौकी से निकलोगे अपने घर के लिए तुम दोनों, और सवेरे 6 बजे रिपोर्टिंग करोगे, और आते के संगीत चौकी में झाड़ू पोंछा करोगे, और अगर तुम ना करी तो फिर दिखाऊंगी मैं अपना असली रूप। क्या है यार, तूने कुछ सोचा? तू झाड़ू मार गया पोचा? ये सब छोड़ यार गोपी, तुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है? तुझे पता है मैडम ऐसी क्यों है और हम लोग ऐसे क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि मैडम कुंवारी हैं, अकेली हैं, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता ना, रात तक चौकी में काम करती हैं और चाहती हैं कि हम भी रात में लेट तक चौकी में काम करते रहें, सुबह सुबह ब्रश करती हुई चौकी में चली आती है और चाहती हैं हम भी खुशी खुशी स्माइल करते हुए चौकी में सुबह सुबह आ जाए। कैसे आ जाए यार, एक लाइफ है यार अपनी। यार तू तो अपनी भाभी को जानता है यार, सुबह सुबह मुझे चाय बनानी पड़ती है, नाश्ता बनाना पड़ता है घर का, और कितने सारे काम करने पड़ते हैं मुझे, ऐसे कैसे सुबह सुबह मैं यूं चौकी आ जाऊं? और मुझे भी अपनी बीवी और पड़ोसन लप्पी लूथरा का काम करना पड़ता है। गोपी एक बार मैडम की शादी हो जाए ना, एक बार बस मैडम की शादी हो जाए, फिर मैडम अपने पति पे हुकुम चलाने में इतना बिजी हो जाएंगी कि अपनी लाइफ इजी हो जाएगी, ये बेस्ट है। तेरा मतलब है मम्मी जी की शादी करवानी पड़ेगी? हाँ यार, और नहीं तो क्या, तूने देखा नहीं किस तरह आंधी की तरह आई, डांट टूट के तूफान की तरह चली गई, यार ये बताने का मौका तक नहीं दिया हमें कि हम काम कर रहे थे यार, हम चौकी में आए थे, फिर वो केस सॉल्व करने के लिए गए थे, उस कंपाउंडर को कितना पीटा हमने, फोटोज लेके आए, रील लेके आए, ये सब किया ना हमने, कोई बताने का मौका दे तो बताए ना यार। गोपी यार कुछ कर यार, गोपी तू कुछ कर, तू एक काम कर, देख तेरी बात मैडम सुनती है, मानती भी है, तू मैडम के पास जा और उनके उनको ठीक से मतलब अच्छी तरह समझा के मैडम आप शादी कर लीजिए, टाइम आ गया शादी कर लीजिए। ओके ओके ओके, मैं मम्मी जी से बात करता हूँ, क्योंकि मम्मी जी मेरा कहा मोड़ती नहीं है, मैं एक बार मम्मी जी को कहूँगा ना मम्मी जी शादी करनी है तो आगे से पता क्या कहेंगी। ओके बस तू शादी की तैयारी कर, मैं यूं गया और यूं आया। ओके I like your confidence, Gopi. I like it. Kari lega ye.
मोनालिसा स्माइलिंग प्लेजेंट फेस गुड क्या कहना चाह रहे हैं कुछ कहना चाह रहे हैं यस इज द अबे तू फूट ले मम्मी जी वो आपकी शादी के लिए एक रिश्ता अच्छा मारी शादी का रिश्ता कौन लाया अबे वेल मॉम आई वांट सी वन नाइट ड्रीम इज द आप लगा रही हैं पाउडर लाली क्रीम इज द बज रहा है बैंड इज द सज धज के आया है आपका हस्बैंड इज द सब कर रहे हैं डांस इज द और आप अपने हस्बैंड के साथ कर रही हैं रोमांस इज द तने यो सपना है जी गुड यार गुड सपना तो एक्चुअली मम्मी जी मैं इस सपने को ना जी हकीकत में देखना चाहता हूँ जी आई वॉन्ट टू सी यू एज ब्रेड ब्राइड या दिस वन कम गोपी यू रिमाइंड मी ऑफ लीना मासी यार मतलब घर की जो है बुजुर्ग लेडीज देख भाई जहां तक शादी का सवाल है तो अगले 5 साल तक यार मैं शादी ना करूंगी शादी की मारी जो है घनी उम्र अभी बाकी है और रही बात हरी ड्रीम की आई सी ड्रीम इज द लगा रही है पाउडर क्रीम इज द वेरी गुड यार तो ड्रीम में ही जो है तू शादी देख ले मारी उसमें तू भांगड़े वांगड़े जो है अपने पाले हैं अपनी लड़कियां वड़कियां जो है भाभियां वगैरह छेड़ ले हैं बढ़िया एकदम माहौल शादी के में पकवान खा ले हैं एकदम दीदी तेरा देवर दीवाना वगैरह पे तू नाच ले और जूते वगैरह चुरा ले ओके लेकिन शादी फॉर 5 years नहीं भूल जा पर मम्मी जी वो देख भाई गोपी जी सपने देखना इज गुड लेकिन माय बर्थडे इज फाइनल क्योंकि मैं हूँ ब्रेड यानी ब्राइड तो शादी मैंने करनी है और मैं 5 साल नहीं करूँगी इट्स क्लियर गुड लेकिन थोड़ा यार देखे काम कर तू काम कर अपना और अगर काम नहीं आ रहा है तो तू जा लीव दिस चौकी नहीं मैं तो कह रहा था एक बार जरा थोड़ा क्या यार एक जरा सा काम नहीं हुआ तुझसे गोपी जरा सा काम जाके तू कर ले मम्मी जी अगले 5 साल तक शादी नहीं करेंगी 5 साल तक शादी नहीं करेंगी हाँ। तो यानी कि अगले 5 साल तक हम रोज सुबह 6 बजे चौकी आएंगे और रात को 12 बजे चौकी से जाएंगे कुछ सोच यार गोपी कोई तरीका होगा जिससे हम मैडम को मजबूर कर सकें कि वो शादी कर लें क्या तरीका हो सकता है यार कोई तरीका हो जो आइए आइए थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन थैंक यू वेरी मच आपने क्या किया मुझे पता नहीं लेकिन वो कंपाउंडर है ना मेरा वो मेरे पास आया और उसने मुझसे माफी मांगी लेकिन उसने मुझे ये भी कहा कि वो फोटो और वो रील जो है वो आपने ले लिए ये रही तुम्हारी फोटो तुम्हारी रील यहाँ पे दूसरी ए, एक मिनट डॉक्टर साहब हमने आपके लिए कुछ काम किया है तो आप हमारे लिए अब क्या कर सकते हैं मैं कुछ समझा नहीं वो खूबसूरत है डॉक्टर साहब एक शादी करानी शादी करवानी है तो पंडित को बुलाओ ना ऑपरेशन करवाना है तो डॉक्टर को बुलाओ वो खूबसूरत है ऑपरेशन ही है ऑपरेशन मैडम की शादी क्योंकि इस वक्त मेरे दिमाग में मेरा खुद का ये घंटू घंटीला चंटू चंटीला एड़िया आ रहा है देखिए आप हमारा काम कर दीजिए और फिर आपको ये रील और ये फोटो सब मिल जाएगा ओहो मतलब एक ब्लैकमेलर से बचा तो दूसरे में फंसा आसमान से टपका खजूर में अटका वेल ब्रो व्हाट इज द प्रॉनिंग इज द गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग इज द तू भी सुन ले गोपी और आप भी सुन लीजिए आइए नहीं 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 ये मुझसे नहीं होगा नहीं नहीं ओ सोच लो अगर तुमसे ये काम नहीं हुआ यानी कि अगर तुमने ये शादी नहीं करवाई तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी और उसके साथ साथ तुम्हारी बीवी के हाथों से तुम्हारी कुछ हड्डियां भी हाँ तो मैं करूंगा ना मैंने कहा मना किया मैं करूंगा वो खूबसूरत है ए, वही ना बात ये नहीं ये नहीं ये बाद में बाद में बाद में पहले काम कराओ
सर खाना हम नहीं खाएंगे. क्यों सर? बस हम नहीं खाएंगे. पहले हम आपसे हमारे सवाल का जवाब सुनेंगे, उसके बाद हम खाएंगे. ओहो सर, ये सर ये जो क्वेश्चन आंसर राउंड है ना आपका, बचकांडगिरी हो बाद में करेंगे. फिलहाल मैं गरम गरम जो है पराठे बना के लाई हूँ, ठंडे हो जाएंगे. चलिए आइए. खाना ठंडा हो जाए, फ्रोजन हो जाए, हम फिर भी नहीं खाएंगे. पहले आपको हमारे सवाल का जवाब देना होगा. ब्रिंग इट ऑन सर. आखिर क्यों आप हमारे लिए पराठे बनाकर लाती? एक दो दिन है तो मैं समझू, रोज क्यों? आखिर क्यों? व्हाई? टेल मी व्हाई. नहीं सर, मैं सब्जी भी बना के लाती हूँ सर और चावल. ये सब बातें करके हमें कंफ्यूज ना करिए. हम जानना चाहते हैं आप हमारे लिए रोज खाना बनाकर क्यों लाती है. क्या आपने इससे पहले किसी के लिए लाए? किसी के लिए भी लाए तो हमारे लिए क्यों सर? बो वो क्यों 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 सर? क्योंकि अपना अपना क्यों अपना ये है सर कि अपना. आई वॉन्ट टू नो द राइट आंसर, करेक्ट आंसर. नो घुमाओ फिराएंगे, कंफ्यूजिंग मी. राइट आंसर क्यों? सर टेस्ट चल रहा है कि हमारा? टेस्ट नहीं चल रहा है, हम नहीं खाएंगे फिर. बोर्ड एग्जाम. बताइए क्यों? अरे देखिए सर, ऐसा है कि अपना. सोचिए 10 सेकेंड आप सोचिए. सर मन ने एनकाउंटर करने जाना है, आप खा लीजिए ना. क्यों जो है बिल्कुल ही बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं. हम डरेंगे नहीं एनकाउंटर एनकाउंटर से. आप ऐसे से भारी वर्ड यूज करेंगे तो बताइए क्यों? फाइन सर. एक्सक्यूज मी, गोपीनाथ गंडोत्रा इसी चौकी में काम करते हैं? अब ये चीटिंग है, ये चीटिंग है. हम सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के ऊपर सवाल करके बायपास करके आने की हिम्मत कैसे भी तुम्हारी में? ये चीटिंग है. हम आपसे सवाल पूछ रहे थे, ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आगे? सर प्लीज कंट्रोल करिए, आप कुछ सीडेटिव वगैरह खाइए, जरा काम होइए लाइफ में. जरा एक मिनट सर. हाँ वो भी यही काम करे. क्यों? उसने पड़ोसन छेड़ दी थारी या थारी बीबी छेड़ी है? वो खूबसूरत है. कौन? गोपी है थारी बीबी? नहीं नहीं मैडम, ये मेरा तकिया कलाम है. हाय हाय. एक्चुअली मैडम मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम है ललित. हाँ मेरा नाम है ललित खुशवा. मैडम बात ये कि गोपी जी को कुछ दिनों से चक्कर आ रहे थे, इसलिए उन्होंने मेरी क्लिनिक का चक्कर लगाया. कुछ टेस्ट करवाए हमने उनके, तो ये रिपोर्ट आई है मैडम. और रिपोर्ट के हिसाब से गोपी जी कुछ ही महीनों के मेहमान हैं. क्या कह रहे हैं मैडम? आपने सुना है डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर क्या ये सही है, सच है, बराबर ठीक है सब? Yeah, I'm damn sure. Please, आप मेरे धंधे पे डाउट मत कीजिए. नहीं नहीं ठीक है सच है भाई, सच है. एक्चुअली बात ये कि गोपी जी को एक जानलेवा बीमारी हो गई है, इसलिए कुछ ही महीनों बाद ये हमारे बीच में नहीं रहेंगे. बस और तो मैं क्या कहूं आपसे, इनके लिए हो सके उतना, बन पड़े उतना कंट्रीब्यूट कीजिए. मतलब कि आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए. ओके वो खूबसूरत है. ठीक था ना? मम्मी जी जो डॉक्टर साहब ने कहा है, क्या वो इसमें लिखा वो सही है? गोपी इस रिपोर्ट में तो भाई लिखा है. अरे तू दिल छोटा मत कर गोपी. अरे इस डॉक्टर को क्या पता, इसे कुछ नहीं पता. हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे. तू ठीक हो जाएगा गोपी, तू ठीक हो जाएगा. नहीं गुलगुले नहीं, खत्म हो चुका है खेल इस दा, छूट चुकी है जिंदगी की रेल इस दा. अरे अब तो बस एक आखिरी इच्छा है, अगर वो पूरी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूंगा. पर
मुझे पता है मम्मी जी वो मेरी आखिरी इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगी। अरे तू ऐसा क्यों कह रहा है गोपी, ये मैडम तेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगी, जरूर करेगी, तू बोल के तो देख। अरे हाँ कैसे नहीं करेंगे, हम कहेंगे आपको मिस चौटाला इसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। अरे तू के बात कर रहा है गोपी, अरे कौन सी इच्छा है थारी जो मैं पूरी ना कर सकूं, तू बोल के बता। मम्मी जी मैं आपकी शादी देखना चाहता हूँ जी। आप शादी करेंगी ना जी? मैं जी आपकी बारात में नाचना चाहता हूँ जी। दो चार टिकाना चाहता हूँ जी। दूल्हे के जूते चराना चाहता हूँ जी। और भाभियों को रस मलाई खिलाना चाहता हूँ जी। वरना मेरी जिंदगी का हो जाएगा खात्मा इसदा और भटकती रहेगी मेरी आत्मा इसदा। नहीं 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 गोपी, इससे ज्यादा इमोशनल बातें ना करिए, मेरा मेरा दिल भराएगा, हम यहाँ से रोना शुरू करेंगे दिल से। मैं छोटा छोटी सी तो बात है, शादी कर लीजिए ना, इसमें क्या है, कर लेंगे शादी, कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे हाँ मैडम बोलिए ना मैडम, आप शादी करेंगी ना? अरे गोपी जा रहा है मैडम। चुप रहो सबके सब। गोपी की अगर ये आखिरी इच्छा है कि मैं शादी करूं तो मैं शादी करूंगी, करूंगी मैं शादी।